परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ पंचदशो अध्याय। महापुरुषों ने संसार को विभिन्न दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया है। किसी ने इसी को भवाटवी कहा तो किसी ने संसार सागर कहा। अवस्था भेद से इसी को भव नदी और भवकूप भी कहा गया और कभी इसकी तुलना गोपद से की गई, अर्थात जितना इंद्रियों का आयतन है उतना ही संसार है। और अंत में ऐसी भी अवस्था आई कि नाम लेत भव सिंधु सुखाहीन, भव सिंधु भी सूख गया। क्या संसार में ऐसे समुद्र हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्र और वृक्ष की संज्ञा दी। अध्याय 12 में उन्होंने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूं। यहां प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है, इसको काटते हुए ही योगी जन उस परम पद को खोजते हैं। देखें श्री भगवान वाच। ऊर्ध्वमूलमधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम्, ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है। अधःशाखं, नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं। ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वृक्ष तो अश्व अर्थात कल तक भी रहने वाला नहीं, जब चाहे कट जाए, किंतु है अविनाशी। श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो हैं, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। वेद इस अविनाशी संसार विटप के पत्ते कहे गए हैं। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को अर्थात देखते हुए विदित कर लेता है वो वेद का ज्ञाता है। जिसने उस संसार वृक्ष को जाना है उसने वेद को जाना है, न कि ग्रंथ पढ़ने वाला। पुस्तक पढ़ने में तो उधर बढ़ने की प्रेरणा मात्र मिलती है, पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है। वस्तुतः पुरुष भटकते भटकते जिस अंतिम कोपल अर्थात अंतिम जन्म को लेता है वहीं से वेद के विच्छंद अर्थात जो कल्याण का सृजन करते हैं वहीं से प्रेरणा देते हैं, वहीं से उनका उपयोग है, वहीं से भटकाव समाप्त हो जाता है, वो स्वरूप की ओर घूम जाता है। तथा अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत और ऊपर देव भाव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सर्वत्र फैली हुई है तथा केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली है। अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए है, मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करती है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं
असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। परंतु इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहां नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है और न अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति ही है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। इस सुदृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्रेण, असंग अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर संसार रूपी वृक्ष को काटना है। ऐसा नहीं कि पीपल की जड़ में परमात्मा रहते हैं या पीपल का पत्ता वेद है और आरती करने लगे पेड़ की। इस संसार वृक्ष का मूल तो स्वयं परमात्मा ही बीज रूप से प्रसारित है, तो क्या वो भी कट जाएगा? दृढ़ वैराग्य द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है, यही काटना है। काट कर करें क्या? तत पदम तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटप को काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है? योगेश्वर कहते हैं इसके लिए समर्पण आवश्यक है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूं, अर्थात उनकी शरण गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। अब शरण में गया हुआ वैराग्य में स्थित पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया? उसकी पहचान क्या है? इस पर कहते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमौ व्ययम् तत्। उपर्युक्त प्रकार के समर्पण से जिसका मोह और मान नष्ट हो गया है, आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया है, अध्यात्म नित्या परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से निवृत्त हो गई है और सुख दुख के द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक ये अवस्था नहीं आती तब तक संसार वृक्ष नहीं कटता, यहां तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। उस परम पद का क्या स्वरूप है जिसे पाते हैं? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस पद की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। इस पर कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीवलोके अर्थात इस देह में, अर्थात शरीर ही लोक है,
ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। भला कैसे? शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, ठीक उसी प्रकार देह का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन और पांच ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को ग्रहण करके अर्थात आकर्षित करके साथ लेकर फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब अगला शरीर तत्काल निश्चित है तो आटे का पिंड बनाकर किसे पहुंचाते हो? लेता कौन है? इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ये अज्ञान तुझे कहां से उत्पन्न हो गया कि पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी? वहां जाकर करता क्या है? मन सहित छह इंद्रियां कौन है? श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते। उस शरीर में स्थित होकर ये जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेकर अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है, किंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, सब उसे देख नहीं पाते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित हुए, विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते, केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले ही उसे जानते हैं, देखते हैं। ठीक ऐसा ही है। अब वो दृष्टि कैसे मिले? आगे देखें। यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेट इस आत्मा को यत्न करते हुए ही प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु अकृतार्थ आत्मा वाले अर्थात मलिन अंतःकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि उनका अंतःकरण बाह्य प्रवृत्तियों में अभी बिखरा है। चित्त को सब ओर से समेटकर अंतरात्मा में यत्न करने वाले भाविक जन ही उसे पाने के योग्य होते हैं। अतः अंतःकरण से सतत सुमिरण आवश्यक है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती हैं, जो पीछे बता भी आए हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में है, इसे तू मेरा ही जान। अब उस महापुरुष द्वारा कार्य बताते हैं। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वा स
सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं और चंद्रमा में रस स्वरूप होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं ही प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप से स्थित होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। अध्याय 4 में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने इंद्रियाग्नि, संयमाग्नि, योगाग्नि, प्राण अपानाग्नि, ब्रह्माग्नि इत्यादि 13-14 अग्नियों का उल्लेख किया, जिनमें सबका परिणाम ज्ञान है। ज्ञान ही अग्नि है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त चार विधियों से अर्थात जप सदैव श्वास प्रश्वास से होता है। उसकी चार विधियां बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा है। इन चार विधियों से तैयार होने वाले अन्नों को मैं ही पचाता हूं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेम चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं। मुझसे ही स्वरूप की स्मृति होती है। स्मृति के साथ ही ज्ञान अर्थात साक्षात्कार और अपोहनम अर्थात बाधाओं का शमन मुझ इष्ट से ही होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। वेदांत का कर्ता अर्थात वेदस्य अंतः सह वेदांत, वेद की अंतिम स्थिति का कर्ता मैं ही हूं और वेदवित भी मैं ही हूं अर्थात वेद का ज्ञाता। अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा था कि संसार वृक्ष है, ऊपर परमात्मा मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इस मूल से प्रकृति का विभाजन करके जानता है, मूल से जानता है, वो वेदवित है। यहां कहते हैं कि मैं वेदवित हूं। उसे जो जानता है, श्री कृष्ण ने अपने को उनकी तुलना में खड़ा किया कि वो वेदवित है। मैं वेदवित हूं। श्री कृष्ण भी एक तत्वज्ञ महापुरुष, योगियों के भी परम योगी थे। यहां ये प्रश्न पूरा हुआ। अब बताते हैं कि संसार में पुरुष का स्वरूप दो प्रकार का है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। अर्जुन, इस संसार में क्षर, क्षय होने वाले, परिवर्तनशील और अक्षर, अक्षय, अपरिवर्तनशील, ऐसे दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, क्षर पुरुष हैं, और ये कूटस्थ पुरुष अविनाशी कहा जाता है। साधन के द्वारा मन सहित इंद्रियों का निरोध अर्थात जिसकी इंद्रिय समूह कूटस्थ है वही अक्षर कहलाता है, किंतु ये भी पुरुष की अवस्था विशेष ही है। इन दोनों से भी परे एक अन्य पुरुष भी है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः।
उन दोनों से अति उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमात्मा ईश्वर ऐसे कहा गया है। परमात्मा अव्यक्त अविनाशी पुरुषोत्तम इत्यादि उसके परिचायक शब्द हैं। वस्तुतः ये अन्य ही है अर्थात अनिर्वचनीय है। ये क्षर अक्षर से परे महापुरुष की अंतिम अवस्था है जिसको परमात्मा इत्यादि शब्दों से इंगित किया गया है, किंतु वो अन्य है अर्थात अनिर्वचनीय है। उसी स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण अपना भी परिचय देते हैं, यथा यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। उपर्युक्त नाशवान परिवर्तनशील क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूं और अक्षर अविनाशी कूटस्थ पुरुष से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझ पुरुषोत्तम को साक्षात जानता है वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से मुझ परमात्मा को ही भजता है, वो मुझसे विलग नहीं है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मयानघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता और कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की ये वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। श्री कृष्ण का ये रहस्य अत्यंत गुप्त था, उन्होंने केवल अनुरागियों से बताया, ये अधिकारी के लिए ही है। श्री कृष्ण का ये स्वरूप सबके लिए था भी नहीं, कोई उन्हें राजा कोई दूत तो कोई यादव ही मानता था, किंतु अधिकारी अर्जुन से उन्होंने कोई दुराव नहीं रखा। उसने पाया कि वो परम सत्य पुरुषोत्तम नहीं, दुराव रखते तो उसका कल्याण ही ना होता। यही विशेषता प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष में पाई गई। रामकृष्ण परमहंस देव एक बार बहुत प्रसन्न थे। भक्तों ने पूछा, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं। बोले, आज मैं वो परमहंस हो गया। उनके समकालीन कोई अच्छे महापुरुष परमहंस थे, उनकी ओर संकेत किया। कुछ देर बाद वो मन क्रम वचन से विरक्त की आशा से अपने पीछे लगे साधकों से बोले, देखो अब तुम लोग संदेह न करना, मैं वही राम हूं जो त्रेता में हुए थे, वही कृष्ण हूं जो द्वापर में हुए थे, मैं उन्हीं की पवित्र आत्मा हूं, वही स्वरूप हूं, यदि पाना है तो मुझे देखो। ठीक इसी प्रकार पूज्य गुरु महाराज भी सबके सामने कहा करते थे, हो हम भगवान के दूत हैं, जे सचहू का संत है वो भगवान का दूत है, हमारे द्वारा ही उनका संदेशा मिलता है। पूज्य महाराज जी सबसे तो इतना ही कहते थे, न किसी विचार का खंडन न मंडन, किंतु जो विरक्ति में पीछे लगे थे उनसे कहते थे, केवल मेरे स्वरूप को देखो, यदि तुम्हें उस परम तत्व की चाह है तो मुझे देखो, संदेह मत करो। बहुतों ने संदेह किया तो उनको अनुभव में दिखाकर उन बाह्य विचारों से हटाकर अपने स्वरूप में लगाया।
वे अद्यावधि महापुरुष के रूप में अवस्थित हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण की अपनी स्थिति गोपनीय तो थी, किंतु अपने अनन्य भक्त पूर्ण अधिकारी अनुरागी अर्जुन के प्रति उन्होंने उसे प्रकाशित किया। हर भक्त के लिए संभव है, महापुरुष लाखों को उस रास्ते पर चला देते हैं। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि संसार एक वृक्ष है, पीपल जैसा वृक्ष है। पीपल एक उदाहरण मात्र है। ऊपर इसका मूल परमात्मा और नीचे प्रकृति पर्यंत इसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित विदित कर लेता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस संसार वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त हैं, और मूलानि उसकी जड़ों का जाल भी ऊपर और नीचे सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि वह मूल ईश्वर है और वही बीज रूप से प्रत्येक जीव हृदय में निवास करता है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार संसार वृक्ष है जिसका मूल सर्वत्र है और शाखाएं सर्वत्र हैं। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार केवल मनुष्य योनि में बंधन तैयार करता है, बांधता है। अन्य योनियां तो इन्हीं कर्मों के अनुसार भोग भोगती हैं। अतः दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को तू काट और उस परम पद को ढूंढ जिसमें गए हुए महर्षि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कैसे जाना जाए कि संसार वृक्ष कट गया? योगेश्वर कहते हैं कि जो मान और मोह से सर्वथा रहित है, जिसने संग दोष जीत लिया है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई हैं और जो द्वंद्व से मुक्त है, वह पुरुष उस परम तत्व को प्राप्त होता है। उस परम पद को न सूर्य न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं, वह स्वयं प्रकाश रूप है जिसमें गए हुए पीछे लौट कर नहीं आते। वह मेरा परम धाम है जिसे पाने का अधिकार सबको है, क्योंकि यह जीवात्मा मेरा ही शुद्ध अंश है। शरीर का त्याग करते समय जीवात्मा मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों के कार्य कलापों को लेकर नए शरीर को धारण करता है। संस्कार सात्विक है तो सात्विक स्तर पर पहुंच जाता है, राजसी है तो मध्यम स्थान पर, और तामसी रहने पर जघन्य योनियों तक पहुंच जाता है, तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता मन के माध्यम से विषयों को देखता और भोगता है। यह दिखाई नहीं पड़ता, इसे देखने की दृष्टि ज्ञान है। कुछ याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है। योगी जन हृदय में चित्त को समेट कर प्रयत्न करते हुए ही उसे देख पाते हैं, अतः ज्ञान साधन गम्य है। हां, अध्ययन से उसके प्रति रुझान उत्पन्न होती है। संशय युक्त अकृतात्मा लोग प्रयत्न करते हुए भी उसे देख नहीं पाते। यहां प्राप्ति वाले स्थान का चित्रण है, अतः उस अवस्था की विभूतियों का प्रवाह स्वाभाविक है। उन पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में मैं ही प्रकाश हूं, अग्नि में मैं ही तेज हूं, मैं ही प्रचंड अग्नि रूप से चार विधियों से परिपक्व होने वाले अन्न को पचाता हूं। श्री कृष्ण के शब्दों में अन्न एकमात्र ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, जिसे प्राप्त कर यह आत्मा तृप्त हो जाती है। बैखरी से परापर्यंत अन्न पूर्ण परिपक्व होकर पच जाता है, वह पात्र भी खो जाता है। इस अन्न को मैं ही पचाता हूं, अर्थात सद्गुरु जब तक रथी न हो तब तक यह उपलब्धि नहीं होती। इस पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के अंतरदेश में स्थित होकर मैं ही स्मृति दिलाता हूं, जो स्वरूप विस्मृत था उसकी स्मृति दिलाता हूं। स्मृति के साथ मिलने वाला ज्ञान भी मैं ही हूं, उसमें आने वाली बाधाओं का निदान भी मुझसे होता है। मैं ही जानने योग्य हूं और विदित हो जाने के बाद जानकारी का अंत करता भी मैं ही हूं। कौन किसे जाने?
मैं वेदवित हूं। अध्याय के प्रारंभ में कहा, जो संसार वृक्ष को मूल सहित जानता है वह वेदवित है, किंतु उसको काटने वाला ही जानता है। यहां कहते हैं मैं भी वेदवित हूं, उन वेदविदों में अपनी भी गणना करते हैं। अतः श्री कृष्ण भी यहां वेदवित पुरुषोत्तम है, जिसे पाने का अधिकार मानव मात्र को है। अंत में उन्होंने बताया कि लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं। भूतादिकों के संपूर्ण शरीर क्षर हैं, मन की कूटस्थ अवस्था में यही पुरुष अक्षर है, किंतु है द्वंद्वात्मक और इससे भी परे जो परमात्मा परमेश्वर अव्यक्त और अविनाशी कहा जाता है वह वस्तुतः अन्य ही है। यह क्षर अक्षर से परे वाली अवस्था है, यही परम स्थिति है। इससे संगत करते हुए कहते हैं कि मैं भी क्षर अक्षर से परे वही हूं, इसलिए लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार उत्तम पुरुष को जो जानते हैं वे ज्ञानी भक्तजन सदैव सब ओर से मुझे ही भजते हैं, उनकी जानकारी में अंतर नहीं है। अर्जुन, यह अत्यंत गोपनीय रहस्य मैंने तेरे प्रति कहा। प्राप्ति वाले महापुरुष सबके सामने नहीं कहते, किंतु अधिकारी से दुराव भी नहीं रखते। अगर दुराव करेंगे तो वह पाएगा कैसे? इस अध्याय में आत्मा की तीन स्थितियों का चित्रण क्षर अक्षर और अति उत्तम पुरुष के रूप में स्पष्ट किया गया, जैसा इससे पहले किसी अन्य अध्याय में नहीं है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 15वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत्।